नमस्कार एवरीवन, आज का हमारा पेरेंटिंग टॉपिक है टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। वैसे तो आप सबको ही पता है कि टेक्नोलॉजी बच्चों के सराउंडिंग्स में ही रहनी है। आप टेक्नोलॉजी से बच्चों को फार नहीं रख सकते, बच्चे अपने आप को टेक्नोलॉजी से फार नहीं रख सकते। तो अगर टेक्नोलॉजी से बच्चे अपने आप को दूर नहीं रख सकते, आप बच्चों को दूर नहीं रख सकते, तो उसके क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो हमें समझना जरूरी है पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, जिससे हम बच्चों को प्रॉपर एक एंगेजिंग टाइम दे सकते हैं, लर्निंग दे सकते हैं, और उससे वो काफी पॉजिटिव इम्पैक्टफुल में ले सकते हैं। जैसे आपको याद होगा, हमने अपने प्रीवियस पेरेंटिंग सेशंस में डिस्कस किया था कि एक बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट होता है, इन द सेंस जब उसका एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस बनना स्टार्ट होती हैं, वो ऑलमोस्ट 2.5 इयर्स से स्टार्ट होता है और 22 साल तक कंटिन्यूसली वो लर्निंग करता ही रहता है, एक्सप्लोर करता ही रहता है। तो उसके जो आसपास के सपोर्टिंग हैंड्स होते हैं, वो उसको काफ़ी सपोर्ट करते हैं उस पार्ट को लर्निंग करने के लिए। सेम एज टेक्नोलॉजी भी एक लर्निंग पार्ट है, एक सपोर्टिंग हैंड है बच्चों को, उनको एक्सप्लोर करने के लिए और उनके साथ में लॉट्स ऑफ एडवांटेजेस गेन करने के लिए। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज वेरी बैड, तो यहाँ से हमें हमेशा एक बाउंड्री सेट करनी होती है। इसे बोलते हैं सेट ऑफ बाउंड्रीज। तो जब आप बाउंड्री सेट करते हैं तो वहां पर बच्चे को जिद ना करते हुए हेयर पेरेंट्स को काफी डिसिप्लिन क्रिएट करना होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ द एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं टेक्नोलॉजी के सराउंडिंग्स में रहने पर। तो सबसे ज्यादा होता है एडुकेशनल प्रॉफिट में ना। आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको पोइम्स को रिपीटेशन में डालने की जरूरत नहीं हो रही है। लाइक व्हेन दे वॉच टीवी, टेलीविजन देखते हैं, तो वो बहुत सारे चैनल से अपनी कार्टून्स और अपनी राइम्स को लर्न कर लेते हैं विद अ प्रॉपर रिदम और सिस्टमैटिक वे, राइट। जैसे मैं अपनी डॉटर को देखती हूँ, व्हेन शी वाज ऑफ 2.3, अभी तो वो 2.7 2.8 की है, तो जब वो 2.3 की थी तो उसको सारे राइम्स आते थे। मतलब जब उसे बुक्स मिली प्ले वे की, उससे पहले ही उसे वो सारी राइम्स आती थी। तो दैट मीन्स एजुकेशनल पार्ट में काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, है ना, और कलर्स को आइडेंटिफाई करना, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को, शूज़, टेलीफोन, फोन, मोबाइल, ये सब उसको आइडेंटिफाई हुआ थ्रू टेलीविज़न, बिकॉज उसका एक पर्टिकुलर टाइमिंग है। जैसे जब वो उसका जो सेट ऑफ टाइमिंग है वो 1 to 2 है, तो जब 1 to 2 में जब वो आती है तो अपना टीवी देखती है और वो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सीखती है। तो यहाँ उसके काफ़ी एडवांटेजेस हो सकते हैं। सेम एज एल्डर्स चिल्ड्रन के लिए काफ़ी एडवांटेजेस हैं एजुकेशनल के, आर्टिकल्स के लिए, देयर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को समझने के लिए। जैसे जियोग्राफी में अगर थ्योरी पार्ट है तो दे कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द इंटरनेट, उसको बहुत ईजी बनाने के लिए वो समझ सकते हैं, राइट। और क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, राइट। और आप अपने मतलब सराउंडिंग्स में काफ़ी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे आप होमवर्क ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो लाइक दिस। और क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस के लिए भी हम लोग टेक्नोलॉजी का काफ़ी हेल्प लेते हैं। और एक आता है आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये 4-5 एडवांटेजेस मेन जो हम देखते हैं टेक्नोलॉजी के, वहाँ से बच्चा अपने आप को काफ़ी लर्निंग में डाल सकता है। कहाँ क्या कौन सी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर मुझे लर्न करना है, कितना सेट ऑफ स्कोर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, द बेस्ट टीचर, ऑनलाइन ले सकता हूँ, ऑफलाइन पढ़ सकता हूँ। देर आर मेनी ऑफ द एडवांटेजेस जो हम टेक्नोलॉजी से ले सकते हैं। लेकिन बोला जाता है कि जब एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस तो बहुत होंगे, तो एडवांटेजेस से ज़्यादा उसके डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को एक लिमिटेशन और बाउंड्रीज नहीं पता होती कि क्या करना है। उनको ये तो पता है कि मेरा मैथ्स का पीरियड 45 मिनट्स का लगेगा, लेकिन मुझे उनको ये नहीं पता है कि मुझे टेक्नोलॉजी को कितने टाइम तक देखना है। तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो जाते हैं,
द नंबर डिसाइड. नंबर वन डिसएडवांटेज होता है कंटेंट. वो क्या कंटेंट देख रहा है? इररेलीवेंट कंटेंट तो नहीं देख रहा, यूजफुल कंटेंट तो नहीं है ना. और अगर यूजफुल कंटेंट नहीं है तो रील्स ही रील्स को वो जस्ट स्वाइप करता जा रहा है, तो दैट मीन्स देर इज नो यूज. यूट्यूब पे जब वो अपनी वीडियोस देख रहा है तो उसमें छोटी छोटी स्किप करके वीडियोस आ जाती हैं, कहीं वो कुछ परचेसिंग मोड पे तो नहीं चला गया, उसको टॉयस तो नहीं दिख गए, या फिर कुछ और भी कंटेंट हो सकता है ना, तो वहाँ से वो कंटेंट की तरफ मूव हो जाता है. और क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं जो हमारे लिए उसका डिसएडवांटेज वाले पार्ट पे देख सकते हैं? तो द सेकेंड पॉइंट विच इज क्वाइट नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज एक्सेसिव स्क्रीन टाइम. स्क्रीन टाइम अगर एक्सेसिव है तो उसकी हैबिट बन जाती है, ब्रेन चिड़चिड़ा होने लग जाता है, एंग्जाइटी होने लग जाती है, बहुत गुस्सा आने लग जाता है जब चीजें नहीं मिलती है ना. ये क्विक 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 रिजल्ट वाला पार्ट होता है, तो ब्रेन में भी क्विक 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 ही चलता है. और भी बहुत सारे उसके डिसएडवांटेजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो जैसे बहुत सारा टाइम हम उस पर स्पेंड कर रहे हैं, देर आर लॉट्स ऑफ टाइमिंग वी आर स्पेंडिंग ऑन द स्क्रीन नो, तो टाइम का एक पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कितना देना है, कितना नहीं देना है, कितना सेट ऑफ टाइम हमें सेट करके रखना है, कोई आइडिया नहीं है. साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वाले पार्ट में भी हम देख लेते हैं. और एक हमने जैसे एक्सेसिव कॉन्टेंट, मतलब सॉरी, एक हमने कॉन्टेंट की बात अपना किया ही हुआ है, एक हमारा डिजिटल एडिक्शन वाला पार्ट भी हो जाता है. तो जब डिजिटल एडिक्शन है तो फिर वो उसके साथ 6 घंटे भी लग सकता है, 4 घंटे, 5 घंटे, तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है. तो एज अ पेरेंट आपको हमेशा एक सेट ऑफ बाउंड्रीज रखना होता है. डोंट ट्राई टू गिव मोर एंड मोर टाइमिंग, उसको स्क्रीन टाइमिंग को मत दो. जैसे आपने स्क्रीन टाइम दिया तो आप उस पर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनिंग फास्टिंग भी कर सकते हैं. तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के लिए आपने उसको 2 दिन मोबाइल दिया बट 4 दिन उससे ले लिया, या फिर लंच टाइम डिनर टाइम पे आपने वो मोबाइल उससे ले लिया, या फिर सिर्फ हाफ एन आवर का आप कभी भी सेट कर दो और विद इन हाफ एन आवर, बट दे कैन कम टू यू कि मम्मा मुझे होमवर्क करना है, क्या करना. डिसिप्लिन क्रिएट करके रखो. बेटर है कि उनको स्मॉल स्क्रीन की जगह बड़ी स्क्रीन दो, है ना. आजकल टीवी पर ही सब कुछ एक्सेस हो जाता है, लैपटॉप पर सब कुछ एक्सेस हो जाता है, तो उनको छोटी स्क्रीन की जगह बड़ी स्क्रीन दो जब तक कि बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है, राइट. तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है वाइल एक्सप्लेनिंग दैम और वाइल व्हेन दे यूज टेक्नोलॉजी. उसके एडवांटेजेस तो काफ़ी हैं, लेकिन एज अ पेरेंट आपको सेट ऑफ बाउंड्रीज क्रिएट करनी ही होगी. आपको फास्टिंग में भी लाना होगा और आपको उनको, चाहे वो कितनी भी जिद कर ले, रो रहे हैं, जिद कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, करने दीजिए. उनको डिसिप्लिन सिखाइए, उनका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्क्रीन टाइमिंग करिए, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट. इसका मतलब यस तो यस, नो का नो. क्योंकि पेरेंटिंग अपने एक बार अपनी लाइनअप कर ली तो अगर आप बच्चे के सामने हार गए उसके रोने को देखकर, तो उसको हैबिट हो जाएगी, उसको पता है कि मुझे मम्मी को कैसे कन्विंस करना है ना. सो होप यू हैव गॉट मेनी ऑफ द पॉइंट्स बाय दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.